गया यार यहाँ पे, हम सोचे कि रूबी से यू टर्न लेना पड़ेगा, तो एक्रोपोलिस से बगल में एक गली घुसते वहां पे घुस जाओ, अंदर से यू टर्न लेके सीधा निकल जाएंगे राइट टर्न में। लेकिन यार यहाँ पे तो बुरा लूट। भाई मुझे अचानक से रास्ते के साइड में दिखा ये फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी, एंड अभी हम खुद जाए उस्ताद जीस बिरयानी डायरेक्शन था। भाई ये गाड़ी मैं पहली बार देख रहा हूँ कोलकाता में, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मुझे। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है आपका महानवमी, नवमी बोले तो पूजा का ऑलमोस्ट आखिरी दिन, ऑलमोस्ट क्या आखिरी ही दिन आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि आज के बाद तो कल से विसर्जन का जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगा एंड पूजा खत्म। डे आफ्टर टुमारो ऑल द वर्किंग डेज स्टार्ट्स। क्या क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या 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 चल रहा है? मैं यहाँ पे वीडियो कर रहा हूँ और तुम ये पगड़ी का है बांध लिया अपने सर। सॉरी 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 सॉरी, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा। हम एक्चुअली सुबह सुबह उठे थे बहुत लेट, क्योंकि कल का ब्लॉग अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि हमने रात के 3:30 बजे तक पार्टी किया था, एंड वहाँ से आने के बाद भाई नींद इतना भयंकर था, इतना भयंकर था, हम उठ ही नहीं पाए। जो घर में काम करती है दीदी वो आके एक बार वापस चला गया, उसके बाद मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी था मामा के घर में, तो वहाँ से मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि दीदी आई थी फिर चली गई, उठ जाओ तुम लोग काम करवा लो। तो हम ऊपर से चाबी दे दिए, दीदी अपना काम करके निकल गए। अभी हम जा रहे हैं मामा के घर, क्योंकि हर साल नवमी में वहाँ पे जाते हैं, खाना पीना होता है, एंड उसके बाद शाम को देखते हैं एक दोस्त के साथ प्लानिंग वगैरह है, तो निकलेंगे, रेडी हो जाते फटाक से, उसके बाद निकलते हैं। सो गाइज हम हो गए हैं रेडी एंड अभी निकल रहे हैं कोसबा के लिए, चलते हैं, आप देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय द जर्नी। ये डोर भी लॉक्ड है, ये चेक कर लिया मैंने, ये वाला लॉक सही है, ये सब सब बंद है, एंड ये देखो ये भाई खाली कभी नहीं होता है, वहाँ पे एक लॉट है, यहाँ पे एक लॉट है, ये खाली नहीं होगा, ये वाला तो आके करेंगे धीरे धीरे। फैन चल रहा था, बाथरूम टॉयलेट चेक कर रहे थे, एक बार टॉयलेट से ये खोल के जाएंगे तो ड्राई हो जाएगा। चलो और सब रेडी, ये डोर को भी मैंने कर दिया है लॉक, मेरे फ्लोर का मेन एंट्रेंस। अभी चलते हैं छत को थोड़ा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि कोई नहीं रहेगा ना घर पे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो देखो लॉक है, ये खिड़की बंद करना पड़ेगा नहीं तो बारिश आएगा तो पूरा डुबा देगा अंदर का। चलो गाइस एवरीथिंग इज रेडी, रेडी टू रॉक एंड रोल, एंड अभी चलते हैं नीचे, लगेज उठाते हैं और चलते हैं घूमने। वो भी ढक दिया है मैंने सभी देखो वेट कर रही है, हम बोल रहे हैं कि सभी नया कपड़ा पहन रहे हैं तो ये क्यों नहीं पहनेगा। ये मैंने आज ओपनिंग कर दिया, जो कि अनबॉक्सिंग मैंने दिखाया था एक वीडियो में, एंड अच्छा लग रहा है भाई, जच रहा है इस पर। चलो बहुत देर हो गया, अभी निकलते हैं, इसको बाद में दिखाएंगे। बाय 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 बाय, निकल पड़े हैं गंतव्य स्थान के लिए, एंड आज का भाई वेदर इतना बढ़िया है ना, इतना बढ़िया है क्या बताएं। ये वेदर यदि मतलब अगर आज से 2 दिन पहले होता ना, वो देखो सनरूफ में बच्चा, वो देखो जली ना तेरी भी जली ना क्या कह रहा था, ये वेदर अगर 2 दिन पहले होता ना तो 2 दिन पहले बाइक लेके निकलते सुबह सुबह, लेकिन इतना इतना बुरा हालत था, बारिश ही बारिश, बारिश कॉन्स्टेंट बारिश, हम बाइक निकाल ही नहीं पाया। बाइक से घूमने का पूजा में अलग ही मस्ती होता है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप रात को बाइक में नहीं घूम सकते यार, रात को बाइक में घूमने से डेंजर बढ़ जाता है, पता है कैसे? इतना सारा छपड़ी बाइकर्स, स्क्विड बाइकर्स जो बोलते हैं, इतना सारा निकल जाता है ना रात को, प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी ऊपर से एक अपने वाइफ को लेके निकलने के अलग ही डिसएडवांटेजेस होता है। सो रात को गाड़ी बेस्ट है, एंड दिन में बाइक लेके घूमो अगर धूप नहीं है और बारिश नहीं है, मतलब आपको प्लेजेंट वेदर चाहिए होगा, यहाँ पे धूप भी नहीं होगा बारिश भी नहीं होगा, तब जाके ये रास्ते पे क्या गिरा हुआ है पता नहीं, कांच गिरा हुआ है, उड़ा दिया रात को, कुछ होता रहता है भाई ये सब कोलकाता में। I'm
अरे भाई जिसका डर था वही हो गया। मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि ऐसा ही वेदर रहना चाहिए, धूप नहीं आना चाहिए, बारिश भी नहीं होना चाहिए। भाई क्या यार, फिर से बारिश आ गया। पूजा इस साल बारिश बारिश में ही कट गया। इधर बारिश हो रही है, उधर बारिश नहीं हो रही है। सही में यार, रास्ते के इधर बारिश हो रहा है, जस्ट इसके पीछे बारिश नहीं हो रहा है। अभी भी रेन इधर आ रहा है, घुस रहा है धीरे धीरे, तो क्या ही किया जाएगा यार, इसी में एंजॉय करना पड़ेगा जो भी करना है। रास्ता इतना खाली खाली सा है ना यहाँ के सर के। अभी नॉर्मली पूजा के टाइम पे सुबह भी जितना भीड़ होता है रात में उससे ज्यादा होता है, वो नॉर्मल है, लेकिन सुबह भी होता है, ऐसा नहीं है कि सुबह एकदम खाली खाली सा रहता है। लेकिन आज यार सुबह हाँ बारिश हो रहा है, तो बाइक वाले सब उसके नीचे आते। ठंडा लग रहा है यार एसी में, अभी चिल्ड हो गया है। अल्चो मेरा अल्चो हाजिर है नवमी स्पेशल लंच। अरे यार 2x हो गया। पीनट्स खत्म। जी क्या है यार, क्या चल रहा है? बक बकलोल, आलू भाजा, आलू भुज्जी, पोटल भाजा एंड सलाद। ये है आपका उच्चे भाजा एंड इसके बाद आएगा फिश एंड स्पेशल मटन। चलिए आगे बढ़ते हैं खाने की तरफ। भाई बंगालीज का लव मटन कशा मैडम का फेवरेट है ना, आपका फेवरेट है ना? या बेबी चलिए इसको एंजॉय करते हैं। ये रहा मटन। पता है टाइम कितना हो रहा है? 7:45। अभी मैडम देखिए अभी भी रेडी नहीं हुई है। क्यों रेडी हो? अरे भाई मुझे निकलना था, हमको एक्चुअली मीट करना था 7:30 एक दोस्त के साथ साउथ में दुर्गाबाड़ी, लेकिन अभी तक हम रेडी नहीं हुए हैं भाई। इसको लगाना पड़ेगा, हम हो गए हैं रेडी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैं पहना ये नया वाला शर्ट जिसका डिजाइन बहुत ही बढ़िया है। आज के और नीचे देखो देखो हाथ में जूता क्या होगा, जूता चेंज होगा अभी, क्योंकि जो जूता मैडम पहनी है वो जा नहीं रहे सारी के साथ। तो मैडम डिसीशन क्या है? जूता चेंज करना है। जिंदगी हो तो ऐसी है, हमको देखो यार जो जूता 5 साल पहले खरीदा है वही पहने जा रहे हैं, वही पहने जा रहे हैं। नहीं तुम्हारा 1 साल पहले है। चलिए गाइस चलते हैं अभी दुर्गाबाड़ी, फेमस साउथ का अड्डा मारने का जगह, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से देखते हैं कहाँ चलते हैं। चलो जी चलते हैं। भाई बोसपुकुर का जो क्रॉस मतलब बकुलतला का जो क्रॉसिंग था ना, वहाँ पे मेनली बोसपुकुर एंड तालबागान का क्राउड होता है। क्रॉसिंग से भाई मेन रोड में निकलने में ऑलमोस्ट फट गया मेरा, इतना भाई सिग्नल हो जाता है, कोई आदमी रुकता ही नहीं है, एकदम आपकी तरह बात सुनता ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। भाई भीड़ देखो यार, दाएं बाएं जिधर देखो उधर आदमी। अरे बाप रे बाप, चींटियों की तरह आदमी जा रहा है लाइन से, एक क्या बोलेंगे, शौक है भाई देखना। हमारा भी था एक टाइम पे, लेकिन इतना हेक्टिक हो जाता ना तबीयत खराब हो जाता है। उसके बाद से हम डिसाइड कर लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे नाचेंगे ऐश करेंगे और क्या। पार्किंग का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू था, मैडम को उतार दिया मैंने यहाँ पे, वो जो गाड़ी टींगड़ा करके फुटपाथ पे हाफ उठा दिया गया है, मैं भी यहाँ पे टेढ़ू करके हाफ उठा दे रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, जैसे दोस्त से मिलेंगे उसे पूछ लेंगे गाड़ी कहाँ रखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फीलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स का फुटपाथ, तो अगर उनको कोई आपत्ति हुआ ना, पुलिस बुला लिया तो भाई केस हो जाएगा। ये है वो जगह एंड पूजा इसके अंदर है। ये वाला बहुत फेमस होता है, मतलब क्या बताएं इसको, क्या बताएं, दुर्गा मंदिर राइट, दुर्गा मंदिर वाला पूजा साउथ में फेमस है, अड्डा मारने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो चलिए अंदर चलते हैं, मिलते हैं दोस्त, कैसे हैं नहीं है, बहुत दिन बाद मुलाकात होने वाला है। चलो तो गेट ऐसा नहीं आते बाबा, बट क्या रहा हूँ, वाह
जो तू दाढ़ी कटनी कर साउथ में ये बालिगंज प्लेस है, यहाँ पे कोई कैफे वैफे नहीं घुसे और बैठेंगे। रास्ते में तो बहुत भीड़ है, हम जा नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, पंडाल तो नहीं देख सकते यार। रास्ते में अभी बज रहा है 10:34 एंड लोगों का एनर्जी देख के भाई अलग ही लगता है। इतना भीड़, जितना रात बढ़ता है भाई साउथ में उतना भीड़ बढ़ता है। चलिए जो भी, हमको तो आगे निकलना है, चलते हैं आगे। ये क्या हो गया पता नहीं, इसमें विंडस्क्रीन पे फॉग आ गया भाई। चलो और क्या, थोड़ी ना हाईवे में है। इतना रात हो गया, अभी भी कितना आदमी है रास्ते में। पुलिस भाई ताबड़ तोड़ चलान काट रहा है, मतलब फाड़ दे रहा है, काट काट के बुकलेट खत्म कर दे रहा है भाई, इतना काट रहा है। पर इस बार कोलकाता पुलिस बहुत अच्छा, हाँ मैनेजमेंट बहुत बढ़िया किया। एक भी मेन रोड पे कंजेशन नहीं हुआ, ट्रैफिक बिल्कुल भी स्लो नहीं हुआ एक मिनट के लिए भी। आप देखिएगा ये ब्रिज में अभी चढ़ने वाला हूँ, यहाँ पे नॉर्मल डेज में भाई कितना लाइन रहता है, अभी देखिए पूरा ब्रिज खाली है। ये मतलब इमेजिनेशन से बाहर है, अभी कैसे कर रहे हैं उनको ही मालूम है। ये है फेमस बोशपुकुर शीतला मंदिर का पूजा, एंड हम सोच रहे थे गाड़ी को आसपास कहीं रख के जाएंगे अंदर, लेकिन भाई गाड़ी रखने का जगह यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक भी जगह नहीं है। तो जगह मिलेगा 1.5-2 किलोमीटर आगे, इधर से दिखाई दे रहा है, पूरा ही दिखाई दे रहा है, दक्षिणेश्वर बनाया है। हाँ 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 सभी तो दिख गया, और क्या होगा जाना, सही है, अच्छा है, अच्छा लगा मुझे, हो गया देखना। चलो अभी घर चलते हैं। हम तो फंस गए यार यहाँ पे, हम सोचे कि रूबी से यू टर्न लेना पड़ेगा, तो एक्रोपोलिस से बगल में एक गली घुसते हैं, वहां पे घुस जाओ, अंदर से यू टर्न लेके सीधा निकल जाएंगे राइट टर्न में। लेकिन यार यहाँ पे तो पूरा लोचा हो गया, उस गली में कोई पूजा या फिर कोई मेला वेला कुछ लगा होगा, एंड पूरा गली भाई जाम ही जाम, उसके ऊपर से इधर से वन वे, उधर से वन वे करके ऐसा फंस गया कि देखो मैप चला के हमको ढूंढना पड़ रहा है रास्ता, ऊपर से ये लाइन, भाई हम तो सीरियसली पागल हो जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। अभी बज रहा है 11, काम कब का खत्म हो चुका है, ट्रैफिक के लिए हमको लगता है एक और घंटा देना पड़ेगा खाली यहाँ से घर पहुंचने के लिए, वेरस मेन रोड पूरा खाली है, गली गली से जाना। फाइनली हमको जगह मिल गया, हम घुमा के सीधा खींच के आ गया। भाई ये बंदा जिम में कहाँ से आ रहा है, जिम से नवमी रहते जिम को ले रहा है, पता नहीं यार कहाँ पे जिम खुला हुआ है। चलिए जो भी, हमको तो भाई छुटकारा मिल गया सिग्नल से, अभी यहाँ पे कोई रुकेगा नहीं। यहाँ पे एक फेमस बिरयानी का दुकान है जो वायरल हुआ है कोलकाता में, 300 ग्राम का मटन का पीस है, तुम सर्च मारा था यार। भाई मुझे अचानक से रास्ते के साइड में दिखा ये फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी,
एंड अभी हम खुद रहे उस्ताजीस बिरयानी डिरेक्शन था भाई। ये गाड़ी मैं पहली बार देख रहा हूँ कोलकाता में एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। मुझे बड़ा अच्छा लगा पीछे देख के, लेकिन ये बिहारी का, बिहारी बोल रहे सॉरी, बिहार का नंबर है, तिहार, तिहार जेल दिखा रहे हैं, तीन मिनट दिखा रहे हैं। चलो ढूंढ लेते हैं, उधर कहीं भी होगा। राइट राइट हैंड साइड में, हाँ ये रहा, राइट हैंड साइड में दिखा रहा है। नहीं उधर जाने को कहीं बोल रहा है, चलते देख लेंगे ना। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।